स्विमिंग रिंग है। मैं जल्दी आती हूँ।
अच्छा लगा ना शिजू का। हाँ, मैं तो चला। इसमें तो मैं आराम से तैर सकती हूँ। मुझे तो बातें कर रही हूँ, लेकिन मैं तो बस चल रहा हूँ। मुझे पीछे लेकिन वो तो मजे कर रहे हैं। अगर तुम एक और गोली खाओगी तो ये और भी बड़ा लगने लगेगा। चलो लेते हैं। ये तो पहले से भी काफी बड़ा हो गया। अब ये इतना बड़ा है कि मैं ऐसे वक्त एक दूसरे से टकराऊंगी नहीं। मुझे तो बाथटब में डूबने की भी चिंता नहीं है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हम स्कूल में जाने के लिए आए हैं। इन्हें इस बारे में कैसे पता चला? मैंने उन्हें बताया था। क्या उन्हें नहीं बताना था? कोई बात नहीं, उन दोनों को भी बुला लेते हैं। कितना बड़ा है। ये तो हमारा कॉरिडोर ही नहीं लग रहा। असल में ये काफी बड़ा हो चुका है। अरे हाँ, चलो देखो तो सही। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा डोरेमोन। यहाँ से दरवाजा काफी दूर है। मैं तो थक गया हूँ। वो कौन सा गेम खेल रहे हैं? वो अभी तक नहीं आए। मुझे तो लगता है नोबिता घर पर नहीं है। क्या ये बाथटब पहले की तरह एकदम बड़ा हो जाएगा? लेकिन ये तो बहुत छोटा है ना। ठीक है, फिर तुम दो गोलियां खा लो। अरे भाई, ये तो बहुत बड़ा पूल है। इस तरह के पूल बहुत कम होते हैं। देखा, ये लो। ए, सुनियो, चलो रेस लगाते हैं। हाँ चलो। ये लो, मजा आ रहा है ना? आज गर्मी है इसलिए। खरीदते हैं जो अपने आप सफाई करेगा। ये लो।
ये ठीक नहीं हो जाता, तुम दोनों पूरा घर साफ कर देना। चलो खत्म हुआ, वो बहुत मुश्किल था। वैसे हमें भी घर का कभी कभी ध्यान रखना चाहिए। मॉम चीजों का कुछ ज्यादा ही ध्यान रखती है। सुनियो एक मुसीबत में फंसा है। ये सब क्या है? मुझे लगता है सुनियो किसी दूसरी जगह जा रहा है। तुम सब यहाँ क्या बात है? सुनियो छुपाने की कोई जरूरत नहीं है। क्या तुम किसी दूसरी जगह जा रहे हो? बताओ, हम सब तुम्हारे दोस्त हैं ना? बताओ तुम्हें। अरे नहीं नहीं, हम ये सब फेंक रहे हैं। सच में? अरे ये तो बिल्कुल नया लग रहा है। ये बेकार है। तुम चाहो तो इस सब का इस्तेमाल कर सकते हो। बाजार में जब भी नई चीज आती है ना, नई चीज को उसी वक्त खरीद लेते हैं। तुम ये सब ले सकते हो, ये अब हमारे काम का नहीं है। हमें नहीं चाहिए। ठीक है, बाय बाय। ये क्या तरीका हुआ भला? हमारा मजाक उड़ा रहा है। उसने बिल्कुल ठीक नहीं किया। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। ये बस पैसों की बर्बादी होती है। तुमने सही कहा। सुनो डोरेमोन, हमें उसे सबक सिखाना चाहिए। हमें उसे सबक सिखाना ही चाहिए। जान डालने वाला धुआं। जान डालने वाला, ये क्या है? इसका मतलब है बड़ी और अजीब डरावनी चीज। ये तो बहुत सारे हैं, वो भी छन्नी और मटके के साथ। पुराने समय में लोगों को लगता था कि चीजें पुरानी हो जाने पर डरावनी हो जाती हैं। इसीलिए जिन चीजों के साथ बुरा होता था वो सब मिलकर एक लाइन बनाते थे और फिर पूरी रात घूमते रहते थे। पहले के लोग ऐसा ही मानते थे। इस गैजेट की मदद से कंसुनियों के सारी पुरानी चीजों को डरावनी बना देंगे। हाँ, ये तो मजेदार लग रहा है। चलो करते हैं। चीजें पहले से बढ़ गई है। सारी चीजों पर धुआं डालकर देखो इस तरह से। उसके बाद इस धुएं को वहां डालकर आओ जहां तुम इन चीजों को रात में घुमाना चाहते हो। सुनियो ये सब देखकर डर जाएगा। वैसे ये लेटेस्ट फेशियल केयर डिवाइस बहुत ही अलग है। ये सब क्या है? मुझे इस्तेमाल करो, मुझे इस्तेमाल करो। शुरू करते हैं। अरे रुको, अगर
अगर ये धुआं फैल गया तो शहर के लोगों को बहुत परेशानी हो सकती है, इसीलिए हम रात को 2 बजे ये सब करेंगे, ठीक है? ठीक है। ओ अच्छा, समझ गया। इस बटन की मदद से इस पर टाइम सेट कर दो। ये वाला? जियान, क्या हुआ होगा? क्या उन्होंने फिर से लड़ना शुरू कर दिया है? इनके झगड़े की वजह से सबको परेशानी होती है। मैं झगड़ा सुलझा कर आता हूँ, तुम तब तक ध्यान रखना। ठीक है, 2 बजे ना। मैंने उन्हें समझा दिया है, अब पक्का भी लड़ेंगे नहीं। मैं 2 बजे तक सोऊंगा और इंतजार करूंगा कि कब वो टीवी और बाकी चीजें मेरी हो जाए। चलो अब सो जाते हैं। ठीक है, टाइम हो गया। अरे सब आ क्यों नहीं रहे हैं? अरे Yeah.